दुबले पतले शरीर को तेजी से मोटा कैसे करें? एक रिपोर्ट के अनुसार 70% लोगों का भोजन में प्रोटीन नहीं मिलता। आपको बता दे, प्रोटीन हमारा शरीर में खाली बॉडी बिल्डिंग का ही काम नहीं करते, ये हमारा मसल बिल्ड करते हैं, मांसपेशियों को मजबूती देते हैं, हमारा हेयर, हमारा आंख या हमारा त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और हमारा बॉडी बिल्डिंग का काम, हमारा मसल बिल्डिंग का काम, इवन हमारा इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप शाकाहारी हो तब भी कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसा 3 प्रोटीन पाउडर का बारे में बताएंगे। पहला नंबर तो आपने सभी लोग इसका नाम सुने होंगे और काफी पॉपुलर ब्रांड है, और दूसरा वाला बहुत ही लाजवाब है, और तीसरा वाला तो खास लोगों के लिए है, इसलिए इस वीडियो काफी फायदेमंद और वैल्यूएबल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका साथ साथ लोगों को भी फायदा मिल सके। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज बताएंगे 3 बेस प्रोटीन पाउडर के बारे में। पहले पे आता है प्रोटीनेक्स प्रोटीन पाउडर, जो आपने सारे लोगों को इसका नाम सुने होंगे, और जिसका उत्पादक है न्यूट्रिशिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और प्रोटीन पाउडर 250 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो प्लीज नीचे बाय लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप चाहे खरीद कर सकते हो। जैसे जैसे हमारा खाने का क्वालिटी स्तर गिरते जा रहा है, ऐसे ऐसे ही हेल्थ सप्लीमेंट्स का ग्राफ तेजी से इजाफा होते जा रहा है। इनमें से एक है प्रोटीनेक्स पाउडर। आगे बढ़ने से पहले आप जानना चाहोगे जी भाई, ये कौन कौन ले सकते हैं? चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या जिम में जाने वाला लोग हो, ये सारे लोग इस प्रोटीन पाउडर को ले सकते हैं। तो अभी जान लेते हैं जे इसका क्या डोज है, इसका मात्रा क्या है। सुबह नाश्ता का आधा घंटा बाद एक ग्लास गरम या गुनगुना दूध का साथ 2 से 2.5 चम्मच या 30 से 35 ग्राम का एक सर्व होता है, वो पाउडर उसमें मिलाइए और अच्छा तरह से मिक्स करके आप नाश्ता का बाद ले लीजिए। और जो लोग जिम जाते हो या घर पे ही रेगुलर अच्छा तरह से फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो वो लोग इसको सुबह और शाम 2 टाइम ले। और जो लोग कहते हो नहीं हमें दूध सूट नहीं करता, तो उसको गुनगुना पानी का साथ ले लेना चाहिए। तो इसका कई प्रकार मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि प्रोटीनेक्स ओरिजिनल जो वयस्क महिला और पुरुष के लिए उपयोगी है, जो 30 ग्राम का पाउडर में लगभग 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर मिलेगा, और इसमें प्रोटीन के अलावा विटामिन ए, सी, डी, के, विटामिन ई, B6, B12 से भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, जो ऑलरेडी शुगर का बीमारी से जूझ रहा है उसके लिए पाउडर नहीं है, उसके लिए जो है प्रोटीनेक्स डायबिटीज केयर, ये शुगर स्तर को भी ये नियंत्रित करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा मात्रा में फाइबर मौजूद होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। अगर आप बच्चे का बात करोगे तो प्रोटीनेक्स जूनियर है, जिसका उम्र है 2 से 8 साल का बीच में है। इसमें बच्चे का हड्डियों और मसल्स और ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बहुत फायदा दे, और ये चॉकलेट वेनिला फ्लेवर में भी उपलब्ध है। इसके बाद आप बात करोगे जिसको उम्र थोड़ा सा और बड़ा है, वो प्रोटीनेक्स ग्रो का नाम पे आता है, जिसका उम्र होगा 8 से 15 साल, वो इस पाउडर को ले सकते हैं। प्रोटीनेक्स मामा नाम पे है, जो गर्भवती या जो लैक्टेशन मदर है उनके लिए है। ये भी विटामिन और मिनरल से भरपूर है, और सबसे खास बात है ये सारे जो हम बताए ये शाकाहारी उत्पाद है, ये एनिमल्स प्रोटीन से बनाया गया पाउडर नहीं है। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग इस चैनल में नए हो प्लीज फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। और जो लोग सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आप बोलोगे भाई ये प्रोटीनेक्स पाउडर में क्या क्या चीज मिला हुआ है, वो भी हम बता देते हैं। इसमें प्रोटीन है 34 ग्राम, तो आप समझ जाना कितना हाई प्रोटीन वाला चीज है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है 53.3 ग्राम, शुगर है 29 ग्राम, फैट है 0.5 ग्राम, फैट बहुत कम मात्रा में है। ये छोड़ के भी काफी विटामिन और मिनरल्स है,
एक एक करके हम नाम पढ़ रहे हैं, आप समझ जाना। इसके बाद विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, नियोसिनामाइड है, पेंटाथोनिक एसिड है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन के है, फॉस्फोरस है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, आयरन है, विटामिन B6 है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है और बायोटिन भी है, आपको बालों को भी अच्छा रखेगा। तो आप बोलोगे ये प्रोटीनेक्स पाउडर का क्या है फायदा? अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करता है या फिर मसल बनाना चाहते हैं तो प्रोटीनेक्स यूज कर सकते हैं। ये बच्चे और औरत के लिए भी काफी लाभदायक है। खाली इतना ही नहीं, ये भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। कई लोगों को भूख नहीं लगता है क्योंकि ये जो पाउडर है ये सारे फ्लेवर वाला है, तो इसीलिए इसका स्वाद अच्छा होने का कारण आप जो भी खाना खाओगे थोड़ा सा मिठास भी है तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा और आप पेट भर के खाओगे तो आपको ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो लोग प्रोटीनेक्स के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो प्लीज आप ये वाला वीडियो देख लेना। अभी दूसरा वाला में आ जाते हैं जिसका नाम है GRD पाउडर। इसमें थोड़ा सा फर्क है क्योंकि ये वे प्रोटीन वाला है। GRD पाउडर जाइडस कैडिला हेल्थ केयर द्वारा बनाया गया एक हेल्थ सप्लीमेंट है जिसमें काफी सारे वेजिटेरियन प्रोटीन है वो भी इसमें मिक्स किया गया हुआ है। इसमें कोई एनिमल्स प्रोटीन नहीं है। ये अपना भारत में ही बनाया जाता है और बे प्रोटीन का साथ साथ 15 आवश्यक विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें होता है। अभी जो GRD पाउडर है ये केवल आपका वजन ही वृद्धि करेगा ऐसा नहीं है, इसका साथ साथ आपको खाने पीने में काफी सुधार कर देगा। जिसको खाने पीने का इच्छा नहीं होता अच्छा खाने लग जाएगा वो लोग। जिसको शरीर में थकान आलस कमजोरी है वो भी उसमें पूर्ति करेगा, प्रोटीन का पूर्ति तो करेगा ही करेगा। ये छोड़ के विटामिन और मिनरल्स भी इसमें भरपूर होते हैं और वो प्रोटीन में होने का नाते जो आपका पाचन शक्ति है उसको भी काफी इम्प्रूव करेगा। हड्डियों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। जिसका हड्डियों कमजोर हो गया है, बालों कमजोर हो गया है, आंखों को भी कमजोरी आ गया, सेल का भी इम्प्रूवमेंट करेगा ये। इसीलिए मांसपेशी के लिए भी बहुत अच्छा है। जिसका हड्डी हड्डी में दर्द होता है, मांसपेशी में दर्द होता है, स्पासम या खिंचाव हो जाता है तो ये पाउडर उसको फायदा देते हैं। आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपका प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छा होने का कारण आप बार बार बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार हो भी गए तो आप जल्दी से जल्दी रिकवरी आपका हो जाएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने का कारण आपको क्या है, आपको ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप इम्यूनिटी पावर का साथ साथ आपका जो एजिंग है वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, आपको ओवर एज होने नहीं देगा। तो आप बोलोगे भाई इसका सेवन विधि क्या है, कैसे खाए? इसको सुबह नाश्ता का बाद आधा घंटा बाद एक ग्लास गर्म दूध का साथ 2 चम्मच या 2.5 चम्मच यानी 30 ग्राम का जो सर्व है एक साथ में आप खाइए मिक्स करके। अगर आप बोलोगे नहीं हमें दूध सूट नहीं करता तो आप जूस भी ले सकते हो, अगर वो भी नहीं सूट करता है तो आप गुनगुना पानी का साथ ले लेना। और जो लोग जिम जाते हैं उसको सुबह और शाम को लेना चाहिए, या घर में ज्यादा हेवी वर्कआउट करते हैं उसको भी 2 बार लेना चाहिए। तो आप बोलोगे भाई इसमें ऐसा क्या सामग्री डाला हुआ जो इतना पावरफुल चीज बन जाता है? तो इसमें आपको फोलिक एसिड, विटामिन 9 जिसको बोलते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, मैंगनीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, निकोटिनामाइड, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, एलिमेंटल आयरन, विटामिन D3। आप अगर बोलते हो भाई इसके बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो प्लीज ये वाला वीडियो आप प्लीज देख लेना। अभी तीसरा वाला हम जो पाउडर का बात कर रहे हैं ये भी काफी फेमस है और खास है, जिसका नाम है एंडोरामास। ये खास करके जो लोग जिम जाते हैं इसके लिए तो बहुत ही फायदा है, या घर में हेवी वर्कआउट करते हैं या थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं इसमें वर्कआउट करने में फायदा एक्स्ट्रा मिल जाता है। एंडोरामास FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रमाणित डायट्री सप्लीमेंट है। ये एंडोरामास नाम पे मार्केट में आपको मिल जाएगा, ना मिलने का स्थिति में नीचे हम बाय लिंक दे दिया है, आप चाहे वहां से भी खरीद कर सकते हैं। सबसे खास बात है एंडोरामास में कोई एनिमल प्रोटीन इस्तेमाल नहीं किया है, जो भी है शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। इसमें जो मुख्य घटक का रूप में सोया प्रोटीन होल मिल्क का प्रयोग किया है।
इसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत है, जो मेल्टोस डेक्सट्रिन है, जो शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। इसमें कई सारा वेरिएंट मिल जाता है एंडोरामास का, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंडोरामास बनाना पाउडर जो 500 ग्राम का 595 रुपया कीमत है, एंडोरामास चॉकलेट पाउडर 500 ग्राम का 595 है, एंडोरामास बनाना पाउडर है 1 किलो वाला 1075 रुपया है, एंडोरामास वेनिला पाउडर है 1 किलो 1075 रुपया का है। आप सोच रहे हो इसका कॉस्ट ज्यादा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 500 और 1 किलो या उससे ऊपर वाला जो पैक में मिलता है, ये छोटा पैक में नहीं मिलता है, इसीलिए आपको कॉस्टली लग सकता है। अभी बोलोगे भाई इसमें क्या क्या फायदा मिलेगा, जो लोग जिम में जाते हैं या हेवी वर्कआउट करते हैं ये भी उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। पतले लोग हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि ये ओजोन बढ़ाने में मदद करते हैं। और खास बात है इसमें कोई स्टेरॉयड भी नहीं है, जी आपका शरीर बन गया है छोड़ने के बाद फिर पहले से भी खराब हो गया, ये भी इसमें खास बात है। कॉस्टली थोड़ा है, लेकिन अगर आप ले सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत वर्कआउट घर पे ही कर लेना तो आपको कुछ ही दिन में फायदा ज्यादा मिलेगा। इसमें आपका मसल ग्रोथ भी होगा, आपको लगेगा जैसा हम थकान नहीं है हमारा शरीर में, कोई आलस नहीं है, फुर्ती से पूरा भरपूर है, स्टेमिना से पूरा भरपूर है, प्रोटीन का कमी है, मिनरल्स का कमी है, विटामिन का कमी है, ये भी इस एक ही पाउडर से पूरा हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई इसको लेने का क्या सिस्टम है, इसको लेने का ये सिस्टम है, सुबह नाश्ता करके आपको 2 चम्मच या 2.5 चम्मच 25 से जो 30 ग्राम बैठता है, आपको 1 ग्लास दूध का साथ थोड़ा गुनगुना दूध हो जाए उसमें मिक्स करके आपको लेना चाहिए। अभी जो लोग वर्कआउट करते हैं जिम जाते हैं उसको 2 टाइम लेना चाहिए, नॉर्मल के लिए 1 टाइम है। आप अगर कहते हो भाई इसमें थोड़ा सा हम बनाना शेक बना के भी मिक्स करके खा सकते हो तो आप खा सकते हो, कहते हैं हम दूध नहीं पीते हैं तो आप पानी के साथ भी ले सकते हो। लेकिन एक बात है, कभी भी इस टाइप का जो पाउडर है उसको आप रात में सोने का पहले मत लेना, क्योंकि ये थोड़ा हेवी है, इसीलिए आपको थोड़ा चहल पहल भी करना चाहिए। थोड़ा सा सुबह या शाम को अगर लेते हो तो उसके बाद आप कुछ काम वाम करते हो तो इसीलिए कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन नहीं तो रात में लोगे तो डाइजेशन में आपका प्रॉब्लम आ सकता है। आप बोलोगे भाई इसमें क्या कॉम्पोजिशन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, शुगर है, प्रोटीन है, सैचुरेटेड फैट है, डायट्री फाइबर है, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन B12 और फोलिक एसिड भी है। तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल इंग्रेडिएंट से भरपूर है। अगर आप इसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज ये वाला वीडियो आप देख लेना, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना। हमारा और एक चैनल है जो हेल्थ रिलेटेड है, तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाए और लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो पाए। अगर जो लोग कहते हैं दांत खाज खुजली से परेशान है प्लीज राइट वाला वीडियो देख लेना, और जो लोग डेक्सोरेन सिरप के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।